महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी विभाग बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ताज नगरी अयोध्या में आयोजित होने वाले सामाजिक न्याय आधिकारिक विभाग के चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने जल्द ही यूपी की राजनीति में एंट्री करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वह भाजपा के साथ मिलकर यूपी में राजनीतिक एंट्री करने जा रहे हैं। वह बसपा का विकल्प बनेंगे, दलित और मुस्लिम वोटरों को एनडीए के साथ लेकर आएंगे। वहीं राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव द्वारा बुलडोजर को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारा बुलडोजर अखिलेश यादव के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर कहा कि अगर वह विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वह चुनाव हार जाएंगी। इसी के साथ अंत में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उनका कहना था कि महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में जिस भी दल को ज्यादा सीट मिलेगी मुख्यमंत्री पद पर उसी का दावा मजबूत माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूपी में करना चाहते हैं एंट्री, भाजपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात कही। कहा कि हम दलित और मुस्लिम को एनडीए में लेकर आ सकते हैं, महाराष्ट्र में जिसकी सीट ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो मतलब एकनाथ शिंदे का भी रहेगा, देवेंद्र फडणवीस का भी रहेगा, अजित पवार का भी रहेगा, मेरा भी रहेगा। वो तो अभी कोई चेहरे का विषय नहीं है, अभी तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएगी उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। बड़े उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र जाता था, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ले गए। हाँ तो महाराष्ट्र में एक 10-12 सीटें हमने मांगी है, हमारी पार्टी के ताकत के मुताबिक हमने 10-12 सीटें मांगी है। महाराष्ट्र में विदर्भ है, मराठवाड़ा है, मुंबई है, कोकण है, उत्तर महाराष्ट्र है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, उसमें हमको अगर एक दो सीटें दी जाती है तो 10-12 सीटें की डिमांड हमारी है। दूसरा, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, देश का सबसे बड़ा मोर्चा सूबा है, 48 सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस गठबंधन लीड कर गया और आपकी सरकार होने के बावजूद 17 सीटों पर सिमट गया। नहीं ठीक है, वो तो जो भी लोगों ने मैंडेट दिया है वो हमें मंजूर है, लेकिन लोगों के साथ ब्लैकमेल करने का काम किया है, संविधान बदलेगी, आरक्षण नहीं तो तुम्हारा जाएगा, इसी तरह की गलत बातें लोगों के मन में डालने की कोशिश हुई और इसीलिए हमारा महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वेस्ट बंगाल में भी हमें कम से कम 30-31 सीट मिलने की संभावना थी, राजस्थान में भी हमें कम सीटें मिली, तो कम से कम हमारी 100 सीटें कम हो गई। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये सब अपोजिशन ने मोदी जी को हराने के लिए एक साथ ये लोग आए, जिन लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला था वो भी लोग एक साथ आई और ये मोदी जी को हराने के लिए मतलब एक साथ आई, लेकिन मोदी जी हारे नहीं है। मोदी जी क्लियर मेजोरिटी लेकर सत्ता में आए हैं और 5 साल तक हमारी सत्ता रहेगी और उसके बाद भी 5 साल तक हमारी सत्ता ही रहेगी। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल है, कौन कौन विनेश फोगाट, आप क्या कहेंगे? आप हरियाणा में है हमारे एनडीए की ला और वहाँ हार जाएगी हमारी फोगाट। चीन की तारीफ किए उन्होंने और कहा कि चीन में और वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन की तारीफ किया उन्होंने, राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है, वियतनाम की तारीफ की है कि वहाँ रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, सबको वहाँ रोजगार मिल रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बातें करते हैं वो बातों में बिल्कुल मजा नहीं है, तो वो अभी चीन की बात कर रहे हैं और हमने बार बार आरोप लगाया था कि भाई चीन को सपोर्ट करते हैं अंदर से और हमें बोलते हैं कि भाई ये चीन ने अपना एरिया अपने ताबे में लिया है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने चीन के बारे में अच्छी बात करना अच्छी बात नहीं है और जनता ने उनको सवाल पूछना चाहिए कि भाई राहुल गांधी जी जिस चाइना ने हमारे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी की लेकिन उनको भगाने का काम हुआ, हमारे आर्मी ने उनको भगाया है और अपने 1 इंच जमीन पर भी कोई उनका कब्जा बिल्कुल नहीं है, हमारे आर्मी ने उनको उधर से पूरा हटा दिया है। तो राहुल गांधी अगर चाइना की बात करते हैं तो उनको चाइना में भेजना पड़ेगा। सर एक चीज और है, चिराग पासवान
तो आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप जातीय जनगणना को लेकर मतलब आपका क्या मत है? एक तो मेरे पार्टी के तरफ से मैंने पहले भी मांग किया है कि जाति की जनगणना खाली ओबीसी की ना हो, जाति के आधार पर जनगणना होती है तो सभी जाति की जनगणना हो, जनरल कैटेगरी की भी हो, उससे ये मालूम होगा कि भाई हर जाति का परसेंटेज कितना है। कि कालेलकर कमीशन के मुताबिक ओबीसी का परसेंटेज 52 बताया है, मतलब उन्होंने स्टडी के अंदाज के माध्यम से। तो और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का जो सेंसस है वो जाति के आधार पर होता ही है, लेकिन अभी जब सेंसस होगा तो मेरी पार्टी की भी मांग है कि जाति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ टेक्निकल सरकार की अड़चन ये है कि जाति के आधार पर जनगणना करने के लिए कानून बताता है कि भाई जाति व्यवस्था खत्म की है, फिर जाति के आधार पर कैसा ये सेंसस करेगी। तो पहले सरकार का भी प्रॉब्लम था, जब राहुल गांधी आज मांग कर रहे कि भाई जनगणना करो, जब आपकी सरकार मनमोहन सिंह की थी उसके पहले 60 साल तक आप सत्ता में थे, तब तो आपने क्यों नहीं किया। अभी बोल रहे कि भाई आप जनगणना करो। तो सरकार की टेक्निकल डिफिकल्ट ये है, उसके बावजूद भी मेरे पार्टी के तरफ से मेरी मांग है कि कौन से जाति का क्या कितना परसेंटेज है मालूम होने के लिए जाति की जनगणना होनी चाहिए। और कानून से जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन समाज में आज भी जाति व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जेबी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।